हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वीडियो के ऊपर ग्लोइंग बॉर्डर किस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले लाइट मोशन ऐप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जहाँ मेरी वीडियो के नीचे मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा। ठीक है, आपने वहाँ से जाकर आपने इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और करने के बाद आपने प्लस पर क्लिक करना है। ठीक है, और करने के बाद आपने 16:9 रेशियो सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, और आपने कलर व्हाइट कर लेना है। ठीक है, और करने के बाद आपने प्लस पर क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड, जैसे आप यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे और करने के बाद अपने पर मीडिया पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, और करने के बाद आपने अपनी वो वीडियो ऐड कर लेनी है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी से अपनी वीडियो ऐड कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर इस वीडियो को बार क्लिक करना है। ठीक है, और करने के बाद आपने यहाँ पर मूव का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, और करने के बाद आपने इधर से जाकर आपने इसे जूम आउट कर लेना है। ठीक है, आप इधर से थोड़ा सा इसे जूम आउट कर लीजिएगा। ठीक है, और करने के बाद आपने बैक आ जाना है। ठीक है, और आने के बाद अपने पर वीडियो पर क्लिक करना है। ठीक है, और अपने इफेक्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, और अपने एड इफेक्ट पर क्लिक कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है इलेक्ट्रिकल। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल लिख लेता हूँ। ठीक है, और लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने कोई पहले वाला इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो अपने यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, और अपने स्टैंडर्ड सेटिंग अपने यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, करने के बाद आपने इसे ओपन कर लेना है। ठीक है, और अपने एडजस्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, और करने के बाद आपने इसे 200 कर लेना है। ठीक है, और करने के बाद आपने अपने नीचे थिंग्स पर आपने यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, तो आपने इसे 0.830 कर लेना है। ठीक है, और करने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है। ठीक है, और आने के बाद आपने इसे बिल्कुल अपने जीरो कर लेना है। आप इसे जीरो कर लीजिएगा। ठीक है, और करने के बाद आपने थोड़ा सा और स्क्रॉल करना है। ठीक है, और आपने पर ग्लो का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, और आपने इसे 70% कर लेना है। ठीक है, और फ्रेंड्स, करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, और करने के बाद आपको यहाँ पर अपने कोई भी अपना फेवरेट कलर ऐड कर लेना है। ठीक है, आप अपना यहाँ पर कोई भी फेवरेट कलर ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना कलर ऐड कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर एक और कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, और करने के बाद आपने इधर से भी अपने बैकग्राउंड कलर आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और करने के बाद अपने बैक आ जाना है। फ्रेंड्स, अब हमने इस वीडियो में एक और इफेक्ट ऐड करना है। ठीक है, और उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर वीडियो पर आपने यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, और करने के बाद आपको यहाँ पर इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, और अपने ऐड इफेक्ट पर क्लिक कर लेना। ठीक है, और करने के बाद आप यहाँ पर सर्च करना है स्मूथ। आप अपने स्मूथ आप यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, और करने के बाद आपको ये वाला पहले वाला इफेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, और अपनी स्टैंडर्ड सेटिंग आपने यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, करने के बाद आप यहाँ पर इसी आपने ऊपर कर लेना है। ठीक है, और करने के बाद आपने सिंपली इसे अपने क्लिक करना है। ठीक है, और करने के बाद आपने अपने इसका साइज अपने 0.20 कर लेना है। ठीक है, आप 20 कर लीजिएगा। ठीक है, और करने के बाद आप यहाँ पर बैक आ जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी वीडियो बन चुकी है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर लेयर पर क्लिक करना है। ठीक है, और आप यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना है। ठीक है, और करने के बाद आप यहाँ पर अपने कॉपी लेयर आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना। ठीक है, और करने के बाद अपनी पहली वाली लेयर को अपने क्लिक करना है। ठीक है, और अपने मूड पर क्लिक कर लेना। ठीक है, और करने के बाद आपने कुछ इस तरह से इसे थोड़ा सा जूम कर लेना है। ठीक है, और करने के बाद आपने कुछ इस तरह से अपने यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, और करने के बाद आपने कुछ इस तरह से जूम आउट अपने इसे कर लेना है। ठीक है, और करने के बाद आपने क्या करना है, आपने फिर यहाँ पर लेयर पर क्लिक करना है। ठीक है, और करने के बाद आपने इसे भी अपने इसे कॉपी कर लेना है। ठीक है, और करने के बाद आपने फिर अमाउंट पर क्लिक करना है। ठीक है, और करने के बाद आपने कुछ इस तरह से इसे भी थोड़ा सा अपने जूम कर लेना है। ठीक है, और करने के बाद आपने क्या करना है, आपको यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, और करने के बाद आपने कुछ इस तरह से इसका भी साइज आपने थोड़ा सा जूम आउट कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना।